काफी लोगों की क्वेरी आ रही है कि हर श्रृंगार परिजात का प्लांट सूख रहा है, इसमें लीव्स येलो हो रही हैं, साथ में फ्लावर्स आने के बाद में ये जो सूख रहे हैं इनका क्या करें। सो आज का टॉपिक इसी पर रहेगा, कैसे प्लांट की केयर करनी है सर्दियों के बाद में और गर्मियों में किस बात का ध्यान रखना है जिससे प्लांट में ग्रोथ आपकी वापस से होती रहे। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनुप आपका होस्ट और आप देख रहे हैं बगिया की ABC। तो ये मेरा प्लांट करीब 6 फीट हाइट का है और इस प्लांट पे आप देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी आप देखें इसमें नई ग्रोथ भी आ रही है और इसके साथ में फ्लावर्स के बर्ड्स भी इसमें नए वाले बन रहे हैं। सो मैक्सिमम इसमें न्यू ग्रोथ दिख रही है। आपके प्लांट पे अगर ग्रोथ नहीं आ रही है सो आपको आने वाले समय में फरवरी में ये सारी टिप आपको अप्लाई करनी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सो पहला काम आपको करना है प्लांट पे रिपोर्टिंग का काम करना है, क्योंकि इसकी सॉइल अब पुरानी हो गई है। सो आप पहले से सॉइल रेडी करके रख लीजिए, जैसे मैंने सॉइल बहुत सारे प्लांट में से निकाल के रखा है सूखने के लिए और फिर इसे मैं रिसाइकल करके वापस से प्लांट पे यूज़ करने वाला हूँ। सो आप ऐसे सॉइल निकाल सकते हैं गमले से, जैसे वहाँ पे सॉइल ज़्यादा थी तो मैंने निकाल दिया है, ऐसे ही कुछ प्लांट पे और जो है सॉइल ज़्यादा थी तो निकाल के रखा हुआ है। सो ऐसे आप सॉइल रेडी करके रख सकते हैं एडवांस में, जिससे अच्छी भुरभुरी मिट्टी इसको मिलेगी। और 30% आपको लेना है सॉइल, 30% लेना है इसमें रेत, अगर पहले से रेत मिली है तो रेत अवॉइड करिए, और 30% इसमें मिलाना है आपको खाद, और इसके साथ में इसमें सूखी पत्तियां सभी को अच्छे से मिक्स करके नीम खली सरसों की खली सभी कुछ मिला लीजिए, बढ़िया एक बहुत अच्छा भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद में आप प्लांट को पॉट में से बाहर निकालिए, प्लास्टिक का पॉट है तो आसानी से निकल जाएगा, आपको प्लांट को जस्ट लिफ्ट कर लेना है और इसको हल्का सा नीचे ठोकेंगे तो बाहर आ जाएगा। रूट्स अगर आपको बॉन्ड दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रून कर देना है, नहीं दिख रहे हैं तो आप उसके सॉइल जितनी भी एक्स्ट्रा इसमें राइट साइड में लगी है निकाल दीजिए, ऊपर की सॉइल थोड़ी सी निकाल दीजिए और प्लांट को फिर वापस से फ्रेश सॉइल के अंदर में रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरा काम क्या करना है आपको, जितनी भी लीव्स येलो हो रही हैं अभी आपको ये सारी निकालते रहना है, इनको छोड़ना नहीं है प्लांट के ऊपर में, क्योंकि इनके कारण स्ट्रेस पड़ता है प्लांट के ऊपर में। सो ये जितनी भी लीव्स हैं आप इनको निकालते रहिए, और उस समय भी अगर कोई लीव्स येलो दिख रही है तो उसे आपको निकाल देना है। इसके अलावा ये जो सूखे हुए फ्लावर के आपको दिख रहे हैं बर्ड्स वाले, इनको आपको कट करना है। सो आपको क्या करना है, कोई भी प्रूनर ले लेना है और उसकी सहायता से आप इसे कट कर सकते हैं। जो सूख गए हैं उसे आप निकाल दीजिए, चाहे तो अभी निकाल दीजिए, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ में यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, फ्लावर्स आने लग जाते हैं। सो मैंने अभी छोड़ रखा है फ्लावर्स के लिए, साथ में अगर इसमें सीड बन जाते हैं तो उसके लिए भी छोड़ रखा है, तो आप भी चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर ऐसा आपको नोट दिख रहा है जहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे आप देखें ये ग्रोथ दिख रही है, यहाँ पे भी जो है लीफ बन रहे हैं, तो अगर ऐसी ग्रोथ होते नहीं दिख रही है तो आप इसकी एक या दो नोट की प्रूनिंग कर सकते हैं, इससे इसमें नई ग्रोथ निकलेगी। इस तरफ से भी एक नया निकलेगा और इस तरफ से भी एक नया निकलेगा, तो यहाँ पर फुटा होगा और दो नई ब्रांच निकलेगी। अगर आपके प्लांट पर बहुत ज़्यादा ऐसी शाखाएँ नहीं हैं, जैसे इसमें आप देखें मल्टीपल हैं, तो आप इसमें अगर ग्रोथ हो भी रही है तब भी कट कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल ब्रांचेस इसमें बनेंगी और ये आगे जाके घना होगा, और घना होने से जब वापस से नया सीजन आएगा तब आपको इसमें फिर से नए फुटाव देखने को मिलेंगे और ज़्यादा इसमें कलियां मिलेंगी। इसके साथ में समय समय पे महीने में एक बार, जब तक सितंबर का महीना नहीं आ जाता है तब तक आपको सेम इसकी जितनी भी ग्रोथ होती है नई वाली, मान लीजिए यहाँ से इसने ग्रोथ किया और यहाँ तक बढ़ा, तो आपको फिर इसे कट कर देना है, तो इसमें फिर से नए ग्रोथ निकलेंगे। तो ऐसे करके इसमें मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और आगे जाके जब अगले साल वापस से फ्लावरिंग का टाइम आएगा तब आपको इसके अंदर में ढेर सारे फ्लावर मिलेंगे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मैंने इसको कट किया तो ये दो निकला, फिर इसको मैंने कट किया तो ये एक निकला, अभी यहाँ पे कट नहीं किया है इसको कर देंगे, इधर से निकल रहा है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे कट किया तो दो निकला, फिर इसे कट किया तो ये दो निकला, इसे कट किया तो ये दो निकला, अब आगे इनको कट करेंगे तो ऐसे निकलेंगे। तो आप अपने प्लांट को घना करने के लिए इसमें मल्टीपल जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। इस पर भी देखिए कितनी सारी इसके अंदर में सब ब्रांचेस हैं, तो इस तरीके से आप इसको प्रूनिंग कर सकते हैं, और लगातार 15 दिन से 20 दिन के गैप में आप करते रहिए,
जब भी इसमें नई ग्रोथ दिखती है और 3 से 4 नोड हो जाते हैं तो आप उसको हल्का सा पिंच कर दीजिए यहाँ से, इसे नाखून से करेंगे तो भी हो जाएगा, प्रूनर से करेंगे तो भी हो जाएगा। तो इसमें नई नई आपको बहुत सारी मिलेगी। आपको जुलाई के बाद में फिर प्रूनिंग नहीं करना है, जुलाई आप आखिरी कर दीजिए, फिर उसके बाद में अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर में इसमें आपको फ्लावरिंग मिलने लग जाएगी। मेरे प्लांट ने सितंबर में बहुत सारी भर भर की फ्लावरिंग करी है। सो इस तरीके से प्लांट की आपको केयर टिप्स अप्लाई करनी है। बीच बीच में आपको हर महीने इसको खाद देते रहना है, लिक्विड फर्टिलाइजर आप भर के दीजिए इसमें, हर 10 दिन के गैप में बदल बदल के दीजिए, और सनलाइट में इसे रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो, 40 ऊपर टेम्परेचर हो, तब आप इसे दिन की खड़ी धूप से बचाइए। तो इन सारी बातों को ध्यान रख के आप अपने प्लांट को इस तरीके से घना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। टिल देन के फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।